डॉक्टर दिव्य ज्योति, आई एम आयुर्वेदा फिजिशियन. एज वी नो, कोविड केसेस आर इंक्रीजिंग और ओमिक्रॉन जो है एक नया वेरिएंट बीच में आ गया है, तो ऐसे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. घर से बाहर जब भी आप निकले, मास्क लगा के ही निकले, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचना है और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करना है. हाथों को जरूर सैनिटाइज करना है. अगर आपको कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे फीवर, थ्रोट पेन, बॉडी एक, स्टमक एक, हेड एक, तो पैनिक नहीं होना है. सबसे पहले खुद को आइसोलेट करना है, डॉक्टर कंसल्ट करना है और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है. ध्यान रखें, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है. अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे हैं तो वो भी डॉक्टर की ही सलाह से लेनी है. इसके साथ में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में. जैसे च्यवनप्राश लीजिए, आयुष काढ़ा, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, आंवला है आजकल जो कि अच्छा सोर्स है विटामिन सी का. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए और हेल्थ के लिए है एक्सरसाइज, योगा और आपका फूड. आपका जो भी सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि आजकल जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं, विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन और अदर विटामिंस. इस तरह से हमारे सेंटर में स्पर्श हेल्थ केयर एंड वेलनेस में आप कंसल्ट कर सकते हैं और हमारा ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, अवेल दैट फैसिलिटी. सो टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड डोंट पैनिक. थैंक यू.